गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं लेके आ गया एक और धमाकेदार वीडियो आप सबके लिए। तो आज हम सीखने वाले हैं आइडियल पावर टूल्स की रोटरी हैमर मशीन। जो हैमर मशीन होती है हमारी दीवार में छेद करने वाली, वो उसको आज हम सीखने वाले हैं कि इसके अंदर प्रेशर कैसे गायब हो गया है। ये चालू तो है इसके अंदर, लेकिन प्रेशर गायब हो गया है, इसलिए दीवार में होल नहीं कर रही है। तो इसका क्या कारण होता है आज हम आपको सब डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इसकी नॉब को सीधा करके, ये नॉब को सीधा करके रोटरी वाले हैमर वाले मोड पर रख के इसको आपको पीछे से माइनस वाला पेचकस लेना है, और माइनस वाले पेचकस से लेके हथौड़ी या प्लास से आपको इसके अंदर पीछे से मारना है, तो ये इसकी नॉब बाहर आ जाएगी। जैसे मैं आपको मार कर दिखा रहा हूँ, जैसे ही आपको बिल्कुल परफेक्टली ऐसे ही करना है जैसे कि आपकी नॉब ऐसे बाहर आ जाए। ये देख सकते हैं आप, इसकी नॉब बाहर निकाल ली है मैंने। ये यहाँ से आपको पीछे से मारना है तो आपकी नॉब बाहर आ जाएगी। नॉब बाहर निकालने के बाद आपको इसके अंदर एक रोलर लगा देता है इसको सादा करने के लिए, और इसको हैमर करने के लिए इसके अंदर एक रोलर लगा देता है, छर्रा टाइप बोलते हैं हम उसको, छर्रा भी बोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी हमने इसका छर्रा बाहर निकाल लिया है। ये छर्रा बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए, नहीं तो आपकी मशीन सादी नहीं होगी, तो वो सादे में काम नहीं करेगी, सिर्फ हैमर ही हैमर चलेगी। तो अब हमें क्या करेंगे, इसका माउस किट का जो रबड़ रहती है, माउस किट के ऊपर जो रबड़ रहती है नीचे से इसको हम सरकाएंगे थोड़ा सा, जैसे हम बिट निकालने के लिए सरकाते हैं। तो हम यहाँ से पेचकस फंसा के इसको यहाँ से ये रबड़ को उचकालेंगे, माउस किट की जो रबड़ होती है उसकी, माउस की। अब हम इसको बाहर निकाल के अलग से रख लेंगे। अब हम इसके अंदर एक लॉक लगा रहता है, गोल टाइप लॉक लगा रहता है इसके अंदर। आपको इसको लॉक को बिल्कुल सीधा कर लेना है, सीधा इसके एरो पे ला लेना है, एरो पे जहाँ पे इसका छर्रा लगा रहता है, रोलर लगा रहता है, वहाँ पे आपको पेचकस फंसा के इसका लॉक भी उचका लेना है। लॉक निकालने के बाद आपको ये देख सकते हैं इसका लॉक है। अब आपको इसका माउस निकाल लेना है, माउस किट निकाल लेना है बाहर। इसके अंदर एक वॉशर लगा रहता है, एक मोटा वॉशर होता है, इसके अंदर एक वॉशर लगा रहता है, वॉशर के नीचे छर्रा लगा रहता है, छर्रे के बाद एक वॉशर फिर से लगा रहता है, वो आपको कंप्रेस करके देता है आपकी बिट को जो होती है, आपकी बिट जो फंसती है इसके अंदर ही जाकर फंसती है, इस छर्रे के अंदर जाकर फंसती है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगी रहती है, टेंशन स्प्रिंग लगी रहती है, तो टेंशन स्प्रिंग को भी हम साइड में रख लेंगे। अब इसको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेते हैं हम। साफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से इसको चार स्क्रू खोल लेना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्क्रू, और ये दो स्क्रू, और ये तीन स्क्रू, और ये चार स्क्रू। इसको चार स्क्रू आपको इसको खोल लेना है, प्लस वाले पेचकस से आपको इसको खोल लेना है। तो जब तक हम इसके स्क्रू खोल रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। और हमारी वीडियो सब तक पहुँचना चाहिए आपको, और दोस्तों की भी नॉलेज गेन होना चाहिए, आप जो से भी काम करते हैं। तो आपको इसका करना है ब्लैक वाला कवर, इसका हेड पकड़ना है, हेड पकड़ने के बाद हैमर से या प्लास से आपको जिससे मारना है ऊपर के इसकी माउस पे मारना है, तो आपका ये हैमर हेड बाहर आ जाएगा। हेड बाहर निकालने के बाद आपको करना है यहाँ से एक पेचकस फंसा लेना है, या फिर इसको बाहर निकाल लेना है ऐसे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने इसका ऊपर का ब्लैक हेड बाहर निकाल लिया है, ब्लैक हेड बाहर निकालने का इसको अलग रख लेना है आपको। इसके अंदर एक पिन लगी रहती है जो लॉन्ग गियर पर लगती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसा लगती है ये। एक साइड से लॉन्ग रहती है और एक साइड से छोटी रहती है, स्मॉल रहती है। तो अब हम इसकी रेचेट को बाहर कर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं रेचेट, ये हम बाहर निकाल रहे हैं इसको बोलते हैं, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अंदर भी लगा हुआ है, पिस्टन फंसा हुआ है इसके अंदर, जो ये देख सकते हैं आप, ये पिस्टन है। तो ये होता है, ये हमारा पिस्टन होता है, इसके अंदर एक ओरिंग लगा रहता है, और इसके ये सिलेंडर के अंदर जाकर बैठता है। और ये हम जो निकाल रहे हैं ये देख सकते हैं आप, ये इसको कहते हैं लॉन्ग गियर, ये लॉन्ग गियर होता है, यही हमारा हैमर के लिए काम करता है। और ये हमारा रोलर होता है, और इसके अंदर से ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर एक पिन लगी रहती है, ये देख सकते हैं आप। और अब आपको इसके अंदर उंगली डालकर चेक कर लेना है कि ये अंदर से कटा हुआ तो नहीं होगा, इसके अंदर डेंट तो नहीं आ गए, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर से चिकना होना चाहिए ये। आप इसको पिस्टन को भी अंदर डालकर देख सकते हैं सिलेंडर के अंदर, ये बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये अभी बिल्कुल फ्री है। तो हम इसका ओरिंग चेंज करेंगे, और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं ओरिंग भी इसका ख़राब है। तो अब हम ये लॉन्ग गियर चेक कर रहे हैं, तो लॉन्ग गियर भी इसका ख़राब ही दिख रहा है, एक्चुअल में बिल्कुल ख़राब है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल नीचे से जो आप स्लाइडिंग देख रहे हैं इसकी, ये गोल हो चुकी है, ये इसके अंदर
खुदरे खुदरे वो रहते हैं गियर साइट, गियर से जो रहते हैं वो बिल्कुल नोके बनी रहती हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल गोल हो गए हैं। गोल होने के बाद इसके काम करना बंद कर दिया है इसको। तो अब हम इसके अंदर से, ये इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है, टेंशन स्प्रिंग होती है, जिससे हमारी मशीन इससे ही हमारी मशीन सादी और हैमर होती है। तो अब हम इस स्प्रिंग को भी बाहर निकाल लेते हैं। स्प्रिंग को हमने बाहर निकाल लिया, इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर डेंट तो नहीं आ गया, बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन होना चाहिए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इसके अंदर ज़रा सा भी डेंट होगा तो ये आपका बिल्कुल परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये हमने देख लिया है इसको, ये पिस्टन तो सही है इसका। अब हम इसका ओरिंग चेंज करेंगे और इसका आपको दिखा देता हूँ मैं। इसका जो है डंपिंग साइड, ये लंगड़ा बेयरिंग भी ख़राब है, इसको आप लंगड़ा बेयरिंग भी बोल सकते हैं और ड्राइविंग ड्राइव शील्ड भी बोल सकते हैं इसको, हमारी भाषा में इसको लंगड़ा बेयरिंग बोलते हैं। तो आप अब हम इसका रंगड़ा बेयरिंग भी बदलने वाले हैं। तो लंगड़ा बेयरिंग के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डिफेक्ट आया है, ये हम देख सकते हैं आप इसके अंदर। लंगड़े बेयरिंग के अंदर आपको डिफेक्ट दिखा देता हूँ मैं, ये बिल्कुल आपको जो स्लाइडिंग दिख रही है इसके अंदर, जो खांचे बने हुए दिख रहे हैं इसके अंदर, तो वो बिल्कुल है इसके गोल हो चुके हैं। तो गोल होने की वजह से ये सही हैमर नहीं करेगी आपकी, इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसको ज़रूर चेक करें आप, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ये गोल हो चुका है। गोल होने के बाद ये बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, आपको मैंने फोकस करके दिखा दिया है। अब हम इसके अंदर नया ड्राइविंग सेट डालेंगे, ड्राइविंग सेट जो हमारा होता है इसको हम लंगड़ा बेयरिंग भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग लंगड़ा बेयरिंग भी बोलते हैं और इसको रोलर बेयरिंग भी बोल सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम इसका ओरिंग निकाल लेंगे, एक छोटा पेचकस लेंगे, छोटा पेचकस लेने के बाद हम इसके अंदर से पिस्टन के अंदर से ओरिंग को बाहर निकाल लेंगे। ओरिंग को हम बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको, ये नीचे से ओरिंग आपको फंसाना है, पेचकस फंसाना है, ये इसका ओरिंग बाहर आ जाएगा। अब हम इसका नया ओरिंग लगा लेते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं हमने इसका ओरिंग लगा लिया है। ओरिंग लगाने के बाद अब आपको करना है, ये हमने ओरिंग लगा लिया, ये ओरिंग लगाने के बाद अब आपको करना है, ये इसका सिलेंडर, ये इसकी कैसिंग के अंदर आपको ऐसा बिल्कुल सीधा डाल देना है। सीधा डालने के बाद आपको इसकी सिलेंडर की पिन जो है बिल्कुल सीधी कर लेना है। इसके अंदर एक होल रहता है, होल में आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा परफेक्टली। अब आपको ये गियर ले लेना है, ये इसको कहते हैं स्मॉल गियर। स्मॉल गियर अभी हमारा ख़राब नहीं है, स्मॉल गियर जब ख़राब होता है जब आपकी मशीन स्लिपिंग मारती है, स्लिप हो जाती है बिल्कुल। तो एक साइड से क्या होता है ना, इसके अंदर स्लाइड रहती है और एक साइड से बिल्कुल क्लीन रहता है, ये शेप साइड रहता है। तो आपको स्लाइड साइड से रखना है, इसको स्लाइड साइड से रख लेना है। और हम इसका लंगड़ा बेयरिंग लगा लेते हैं, लंगड़ा बेयरिंग लगाने के बाद ड्राइव शील्ड लगा लेंगे और ड्राइव शील्ड लगाने के बाद इसका है ना लॉन्ग गियर लगा लेते हैं। ये आपको अंदर इसके अंदर लगा लेना है, इसके सिलेंडर के अंदर लगा लेना है, बिल्कुल सीधे सीधे आपको रख लेना है। सीधे आपको रखने के बाद इसको आपको लॉन्ग गियर लगाने के बाद इसको अच्छे से अंदर ठोक लेना है। ठोकने के बाद आपको किसी भी चीज़ से ठोक लेना है, ये पेचकस से मैंने ठोक लिया है इसको। अब आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल ये परफेक्ट चल रही है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से ग्रीस लगा लेना है, अच्छे से हम इसके ऊपर ग्रीस लगा लेते हैं। देख सकते हैं मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो हम थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ इसके। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस ऐड कर लेंगे। अब आपको मैं ग्रीस लगा कर दिखा देता हूँ, आपको पूरा अच्छे से ग्रीस लगा लेना है इसके अंदर। ये हमने ग्रीस लगा लिया है। जब तक हम ग्रीस लगा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि हम उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो, जो भी इस काम को सीखना चाहते हैं और इस काम को कहीं भी अगर अटक जाते हैं तो आप इससे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर अच्छे से ग्रीस भर लिया है, हमारा हाथ साफ कर लिया है हमने। अब हम इसके अंदर लॉन्ग गियर के अंदर इसकी स्प्रिंग डाल देंगे, टेंशन स्प्रिंग जो होती है हमारी, वो पतली वाली, वो हम डाल लेंगे। अब हम इसकी पिन लगा लेते हैं, पिन लगा लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑयल भर लेंगे, इसके सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा आपको ऑयल भर लेना है, 5-10 ग्राम आपको इसके अंदर ऑयल भर लेना है। तो अब हमने इसके अंदर ऑयल भर लिया है, ऑयल भरने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे। ग्रीस लगाने के बाद अब हम इसका पिस्टन इसके अंदर डाल देंगे, पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर हम पिस्टन डालने के बाद अब हम इसकी पिन लगा लेते हैं, लॉन्ग गियर वाली पिन लगा लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, रैचेट लगा लेना है इसके अंदर, नहीं तो आपकी पिन नहीं बैठे, पिन में फंस जाएगी आपकी रैचेट। तो आपको पहले इसकी रैचेट लगा लेना है, रैचेट लगाने के बाद आपको इसकी आपको पिन लगा लेना है।
पिन लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको देख सकते हैं, एक लॉन्ग है ये और एक शॉर्ट जगह से, तो आपको लॉन्ग जगह से इसकी पिन को बिठाना है लॉन्ग गियर के अंदर, और आपको इसके अंदर एक वॉशर ऐड करना है। ये वॉशर हमने निकाला था, ये वॉशर अब आप देख सकते हैं, इसको ऐड करना है। तो वॉशर लगाने से पहले आपको इसके अंदर ऊपर वाले ब्लैक वाले हेड में से आपको इसका एक वॉशर और इसका नीडल बेयरिंग आपको बाहर निकाल लेना है। ये अक्सर इसके अंदर फंस जाता है, छोटे वाले पेचकस से या बड़े वाले पेचकस से आपको इसको बाहर निकाल लेना है। तो इसके अंदर ये चावल वाला जैसे बेयरिंग दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल बीच में आएगा, एक ऊपर वॉशर आएगा, उसके बीच में ये नीडल वाला बेयरिंग आएगा और उसके ऊपर आपका एक और वॉशर आएगा। तो अब हम इसको लगा कर दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको लगा लिया है। अब आपको इसका ब्लैक वाला हेड ले लेना है। हेड लगाने के बिल्कुल फ्रंट साइड से रख लेना है आपको हेड आपको बिल्कुल रैचेट साइड से आपको इसके बाहर निकाल लेना है और आपको इसको ऊपर से ठोक लेना है। उसको ऊपर से ठोकने के बाद आपको इसको लिटाकर कस लेना है जैसे कि आपको अच्छा लगे। तो आप जब तक आप इसके स्क्रू कस रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स का एम है, तो प्लीज़ गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और एक बार आपको मैं इसके अंदर शादी करके भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने माइनस वाला पेचकस लिया। माइनस वाला पेचकस लेने के बाद इसके नॉब वाले होल में डाला। नॉब वाले होल में डालने के बाद पीछे इसका पेचकस खींचा तो ये लॉन्ग गियर ऊपर चला गया। लॉन्ग गियर ऊपर जाने के साथ ही ये आपकी मशीन शादी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये शादी और हैमर दोनों चीज़ें तरीके से चल रही है। आपको मैं इसके ऊपर पत्थर के ऊपर टेस्ट करके दिखाऊँगा कि बिल्कुल परफेक्टली इसका प्रेशर आया है नहीं आया, छेद का होल करने लायक है या नहीं है। अब हम इसका नॉप लगाएंगे। नॉप लगाने से पहले इसके अंदर एक छर्रा जो हमने निकाला था वो हम लगा लेंगे। तो छर्रा डालने के बाद आपको इसको अंदर साइड धकेल देना है और इसके लॉन्ग गियर के अंदर एक होल रहता है छोटा सा, तो आपको वहाँ पर इसका छर्रा बिठा देना है। छर्रा बिठाने के बाद इसकी नॉप लेना है, बिल्कुल सीधे रखकर आपको इसको ऊपर से ठोक देना है, तो ये आपकी नॉप बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगी। और आपको इसको टेस्ट कर लेना है कि ये शादी हो रही है नहीं हो रही और हैमर हो रही है नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल परफेक्टली हैमर हो रही है और शादी भी हो रही है। अब हम इसकी ऊपर की टेंशन वाली स्प्रिंग लगा लेते हैं, जो स्प्रिंग टेंशन करती है हमारे उसको छर्रे को, तो आपका विट इसी से ही फंसा रहता है। अब हम इसका ऊपर का वॉशर भी लगा लेते हैं। वॉशर तेल साइड से आपको लगा लेना है अंदर, तेल साइड से आपको सीधा रख के अंदर लगा लेना है। और इसके अंदर अब हम इसका छर्रा लगा लेंगे। ये हमने देख सकते हैं, अभी छर्रा लगा लेते हैं। ये इसके अंदर ही आपका जाके बेट फंसता है। और अब हम इसके अंदर ऊपर का वॉशर ऐड कर लेंगे। वॉशर ऐड करने के बाद आपको इसको नीचे करके थोड़ा सा देख लेना है। अब हम इसका माउस की ऊपर का कवर लगा लेंगे। माउस के ऊपर का कवर लगा लिया है। अब हम इसके अंदर लॉक लगा लेंगे। इसका लॉक आपको ऐसे बिठा लेना है अंदर छोटे वाले पेचकस से, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साइड से बिठा कर उंगली से पकड़ लेना है और इसको अंदर बिठा लेना है, और एक साइड से आपको इसको साइड से बिठा लेना है, और यहाँ से आप रोल करते हुए जाएंगे तो आपका ये अच्छे से बैठ जाएगा आराम से। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और वीडियो को स्किप करके बार बार देख सकते हैं बिल्कुल पीछे बैक साइड जाकर कैसे मैंने इसका लगाया। और अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ये हमने इसका बिट लगा लिया है। बिट लगाने के बाद आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं पत्थर पर भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्टली चल रही है नहीं चल रही। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये परफेक्टली चल रही है, कैसे बिल्कुल परफेक्टली प्रेशर आ रहा है इसके अंदर। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों का शेयर कर दें।